अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह अपनी नई गन का रिव्यू देने जा रहे हैं, हैटसन 135 क्यू ई स्नाइपर। बिस्मिल्लाह करते हैं। इसकी जो लेंथ है गन की वो 1182 मिलीमीटर है, यानी 46 इंच तकरीबन बन जाती है, और बैरल जो है वो इसकी 270 मिलीमीटर है और फुली श्राउडेड बैरल है, स्टील की, जर्मन स्टील की बनी हुई है। वज़न इसका जो है वो 4.15 केजी है तकरीबन। ट्रिगर है वो टू स्टेज क्वार्टरो ट्रिगर है, फुली एडजस्टेबल ट्रिगर है, मैच ट्रिगर सिस्टम। जो इसकी बट चीक है वो रबर पैड जो है इसका बेहतरीन बना हुआ है, और इसकी जो बट चीक है, कॉम इसको बोलते हैं, वो एलिवेशन एडजस्टेबल है, दो स्क्रू लगे वहाँ से एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, तो जिसका जो सेफ्टी सिस्टम है वो मैनुअल सेफ्टी भी है, ऑटोमेटिक कॉकिंग सेफ्टी भी है, और एंटी बेयर ट्रैप सेफ्टी भी इसके अंदर है। इसकी जो स्कोप माउंट रेल है वो दोनों में आती है, यानी 11 मिलीमीटर और 22 मिलीमीटर दोनों में आती है। और इसमें जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, क्वार्टरो है, सैस है, सैस शॉक अब्जॉर्बर सिस्टम है, और ऊपर ये मॉडल इसका लिखा हुआ है हैटसन ने। इसकी जो रियर साइड है वो माइक्रो एडजस्टेबल है, विंटेज और एलिवेशन दोनों आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं, और ट्रैकलो इसमें जो है वो फाइबर लगा हुआ है। बैरल जैसे पहले बता चुका हूँ, फुली श्राउडेड बैरल है इसकी, और फ्रंट साइड है वो भी इसकी मेटल की बनी हुई है। क्या वही सिस्टम रिड्यूस करवाया हुआ है इसमें हैटसन ने, जिसका मतलब है क्वाइट एनर्जी। ये बैरल के अंदर एक सिस्टम डाला है हैटसन ने। ये गन जो है वो 0.177, 0.22 और 0.25 कैलिबर में आती है। जो हमारे पास है ये 0.22 कैलिबर की गन है। अब आपको इसकी बैरल दिखाते हैं अंदर से, जहाँ से छुरा लोड होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बैरल की क्वालिटी भी आपको इसमें बता देगी। अब आपको शॉट एक लेके देते हैं, दिखाते हैं कैसे आवाज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं उसकी, कैसी आवाज़ है इसकी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।